अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने बोला था आपको कि जब तक हम 35,500 और 35,800 के बीच है तो हम साइडवेज रहेंगे, और वैसा ही हुआ। देखिए 35,500 पे सपोर्ट लिया निफ्टी और फिर गया 35,800 पे, ये रेसिस्टेंस फेज किया और हम इसी दो लेवल्स के बीच ट्रेड किए। जब तक हम इस लेवल को किसी भी साइड ब्रेक नहीं करते हैं, अगर ऊपर की ओर ब्रेक करते हैं 35,800 तो हम पूरी तरह से इसमें बुलिश होंगे, और अगर हम 35,500 को ब्रेक करते हैं तो हम इसमें बेयरिश हो जाएंगे, और फिर जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 35,250 के आसपास बनेगा। देखिए सपोर्ट एक रीजन होता है, तो इस आसपास रीजन में हम सपोर्ट ले सकते हैं। अगर उसको ब्रेक करते हैं तो 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अगर कभी भी हम 35,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम पूरी तरह से बेयरिश हो जाएंगे, और जब हम 35,800 के ऊपर निकल जाते हैं तो एक 36,000 जो इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल होगा, और 36,000 के ऊपर अगर निकलते हैं तो हम पूरी तरह से बुलिश हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का अभी बैंक निफ्टी में सिनेरियो है। देखिए सारे लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके 15 जुलाई के ट्रेड के लिए। अगर आप 15 जुलाई को ट्रेड करते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है।